मजदूरी रोजगार इत्यादि करके खर्चा गुजारा जैसे तैसे पूरा करते हैं। जिनके घर में एक से ज्यादा व्यक्ति कमाने को लगते हैं तब घर का खर्चा चलता है, कम लोग करेंगे तो शायद नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ऐसे बच्चे जो है वो प्रतिभावान होने के बावजूद भी कुछ कारणों से कि सर पैसा नहीं दे पाएंगे करके पीछे हट जाते हैं उन प्रतियोगिताओं से जिनमें अच्छा कर सकते हैं। और आपके परिवार की जो हालत है आर्थिक, उस हालत को सुधार आप ही सकते हैं, क्योंकि अभी जो लोग काम कर रहे हैं वो उस काम को चेंज तो करेंगे नहीं, वो उसी में रह जाएंगे। परिवर्तन अगर कोई लाएगा तो अगली जनरेशन है, लेकिन तुम अगर कुछ और अच्छा पढ़ोगे तब तुम उसमें कुछ परिवर्तन ला पाओगे। सही है, तो ये उद्देश्य हमारा कि ऐसे बच्चे जो आर्थिक तौर पर एकदम ज्यादा सक्षम नहीं है, जिनके पेरेंट एक साथ एक आध 1.5 लाख रुपए खर्च कहीं पर नहीं कर सकते, ऐसे बच्चे प्रतियोगिता से दूर ना हटे। अगर उनमें सामर्थ्य है तो वो नीट JEE इत्यादि एग्जाम की ओर कॉन्सेंट्रेट करें, अच्छा रिजल्ट दें। विगत 10 वर्षों में हमने अधिकांश रिजल्ट ऐसे ही दिए हैं जो बच्चे सपने में भी नहीं सोचे थे कि वो कभी किसी मेडिकल कॉलेज में जाकर पढ़ेंगे। हम लोगों ने अधिकांश रिजल्ट वही दिए हैं जिन बच्चों के पेरेंट्स ये मान के चलते थे कि सर हमारी हैसियत नहीं है कि हम उस ओर सोच सकें, तो नर्सिंग कर ले बेटी बहुत बड़ी बात है। वो आज मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई सेकेंड ईयर में है, कोई फर्स्ट ईयर में, कोई फाइनल ईयर कंप्लीट करने के कगार पे आके खड़ा हो गया। तो अच्छा लगता है, पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है और आपको खुद को अच्छा लगेगा कि आप उस स्तर पे पहुंच रहे हैं जहां पर आप अपने परिवार की स्थिति को एकदम 180 डिग्री से बदल सकते हैं अगर आप सक्षम हो गए। तो इस प्रोग्राम को हमने उस हिसाब से प्लान किया। तो आप सुनिए इसका एडवांटेज आप कैसे ले सकते हैं। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ समर के कोर्स से, फिर आपको लॉन्ग टर्म के कोर्स के बारे में बताता हूँ। अगर आपको लगेगा इस बीच आपको कुछ पूछना है, अपना क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, नोट करके रखिएगा, आखिर में पूछिए। ठीक, सबसे पहला समर आपके जैसे ही एग्जाम्स खत्म होंगे गर्मियों में, 11th के एग्जाम खत्म होने के साथ ही हम लोग लगभग 45 दिनों, ये मान के चलिए कि अप्रैल तक अगर आपके एग्जाम खत्म होते हैं या अप्रैल मिड तक भी खत्म होते हैं, 15 अप्रैल तक तो खत्म हो ही जाते हैं जनरली, तो 15 अप्रैल से लेकर 15 मई, 15 मई से लेकर 15 जून, 2 महीने का समय है। फिर आपका फिर 16 जून से सेशन स्टार्ट होता है। तो इस 45 से 60 दिन के इंटरवल में हमने शॉर्ट टर्म बैच प्लान की है, स्ट्रीम वाइज, साइंस वालों के लिए अलग, कॉमर्स वालों के लिए अलग, आर्ट्स के लिए बस नहीं है। इसका उद्देश्य है बच्चों को 2 महीने में ऐसे टॉपिक जो आपकी क्लास 11th और 12th दोनों को मिलाकर इम्पोर्टेंट है, जो आगे के एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा वेटेज रखते हैं, जो इवन आपके बोर्ड एग्जाम में भी मेजर रोल प्ले करेंगे। 11th के कई ऐसे टॉपिक हैं जो आप अगर अभी अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो 12th में आपको दिक्कतें होंगी। और 12th ऐसा समय आ जाता है 12th में कि बच्चे को पूरा साल कम पढ़ने लगता, क्योंकि फरवरी खत्म होते ही मार्च पे एग्जाम सर पे खड़े रहते हैं, फरवरी में आपके प्रैक्टिकल होते हैं। आप ये मान के चलिए कि 12th वालों की विदाई जनवरी एंड तक हो जाती है, फरवरी भर तो वो प्रैक्टिकल और अपने प्रिपरेशन लीव में लगे रहते हैं, और शुरुआत ये लोग बेचारे जल्दी करते हैं, पर 12th वाले और भी बहुत सारी चीजों में एंगेज रहते हैं। उसके पहले इनका प्री बोर्ड होता है, फिर हाफ ईयरली अलग होता है, तो इन लोगों का एंगेजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एकेडमी। तो ये प्लान नहीं कर सकते कि अगर इन्होंने मिस किया है कुछ 11th में तो उसको 12th में कवर कैसे करें। तुम खुद सोचो, तुम 11th में जो अभी पढ़ रहे हो तुमको मौका मिलेगा 12th में इन चीजों को दोबारा दोहराने का? 12th का सिलेबस इतना रहेगा तुम्हारी आंखों के सामने और परसेंट लाने का इतना बड़ा लोड रहता है कि 12th बोर्ड बिगड़ा मतलब वो आजीवन ठप्पा लग जाता है ना। तो 11th तो भले आप ऐसा ऐसा कर लो पर 12th को कोई बिगाड़ना नहीं चाहता, तो इसलिए आप 11th की चीजों को चाह के भी वहां नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमने बीच का स्पेस यूटिलाइज किया कि 11th बोर्ड के समाप्ति और 12th के 11th होम बोर्ड की समाप्ति और 12th बोर्ड सेशन स्टार्ट होने के पहले जो 45-50-60 दिन आपके हाथ में है ये आप वेस्ट ना करें। ये आपको पॉलिशिंग के काम आएंगे 11th की, और 12th के कुछ ऐसे सब्जेक्ट के टॉपिक्स जिनका अच्छा खासा वेटेज बोर्ड में भी है साथ ही साथ एंट्रेंस में भी है, उसको हम कोशिश करेंगे कि इस 45-50 दिन में कवर करवाएं। क्लासेस पूरे फ्लो में रहेंगी, हर दिन तीनों विषयों की क्लास होगी। टारगेट बस इतना रहेगा कि आप जब 16 जून को वापस आओ यहाँ पर स्कूल अटेंड करने के लिए तो आप कॉन्फिडेंट रहे, आपके सामने पिक्चर क्लियर हो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और आगे क्या करना है, ताकि आप साल भर उस चीज को ध्यान में रखकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। 12th के एग्जाम की समाप्ति के बाद आप ब्लैंक ना रहे। कुछ बच्चे होंगे आपके से जिन्होंने अभी से सोचा होगा कि 12th के बाद क्या करना है, सोचे
कितने लोग हैं जो अभी से सोच के रखे 12th के बाद क्या करना है, और कई लोगों ने नहीं सोचा। ऑब्वियस सी बात है, कई लोग नहीं सोचते। हो सकता है आप थोड़े समय बाद सोचे, अगले साल सोचे, वो भी चलेगा, पर अगर आप 12th के एग्जाम समाप्ति तक नहीं सोच रहे हो ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत, क्योंकि उसके बाद सोचने का समय नहीं रहता। 12th खत्म होता है, मुश्किल से 30 से 40 दिन के अंतराल में आपके एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो जाते हैं, और JEE तो उतना भी समय नहीं लेता। 12th के खत्म होने के 10-15 दिन के अंतर्गत JEE हो जाता है, तो इंजीनियरिंग एंट्रेंस तो तुरंत है 2 हफ्ते बाद, मेडिकल एंट्रेंस 4 हफ्ते बाद, उसके बाद फिर फार्मेसी एग्रीकल्चर लाइन से। आप ये मान के चलो कि अप्रैल मिड से लेकर आपकी जून मिड तक सारा मामला खत्म है, जितनी प्रवेश परीक्षाएं होनी सब होके खत्म हो जाती है, और अगर आप उस दरमियान चूक गए तो आपका साल गया, फिर आपको ये सारे पेपर देने के लिए अगले साल का वेट करना पड़ेगा। तो ये दिक्कतें ना खड़ी हो, इसलिए अभी से सोचना जरूरी। तुम 11th में हो, तुम अभी से सोचोगे तो शायद तुम्हारा एक साल एक्स्ट्रा ना लगे। 12th वालों ने शायद वो चीज मिस कर दी है, तो हो सकता है कि वो चुके, पर तुम अभी से सोचोगे तो तुम बिल्कुल नहीं चुके। तो पहला ये 45 डेज का, 2 प्रकार के सेशन है इसमें। पहला आपके विषयों पर आधारित, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और दूसरा स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट में हमने 5 स्ट्रीम्स रखी है, सेम वही 50 दिन के स्लॉट में। आप चाहे तो दोनों कोर्सेस कर सकते हैं, एक फर्स्ट हाफ में होगा, दूसरा सेकेंड हाफ में होगा। आप चाहे तो दोनों का पैरेलल बेनिफिट लें, क्योंकि दोनों ही आपको कॉन्फिडेंट बनाएंगे आगे चल के। एक बनाएगा स्कूल एकेडमिक्स के लिए, एक बनाएगा आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए। तो स्कूल एकेडमिक्स का कोर्स तो मैंने आपको डिस्कस किया, अब स्किल डेवलपमेंट वाला जो कोर्स है वो क्या है उसको सुन लो। इस कोर्स में हमने 5 स्ट्रीम को रखा है। सबसे पहले सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स मतलब कैसे बिहेव करें, कैसे बात करें, क्या पहने, कैसे चले, वर्ड का सिलेक्शन क्या हो, स्पीच कैसे देना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, मतलब ओवरऑल एक कॉन्फिडेंस जो रहता है, जो हमारा डगमगा जाता है कहीं सामने में खड़े होने से किसी के, या बोलते समय जुबान लड़खड़ाती है, हाथ पांव कांपने लगते हैं, ये चीजें ना हो हर जगह।